हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख। इसमें सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और फिर उसके बाद लघु उत्तरीय और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में, पहले है रिक्त स्थानों को भरें। मैंने जो वर्ड भरा जाएगा उसको बोल्ड कर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या भरा जाएगा। पहला है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यानी आधुनिक युग जो प्रगति कर रहा है वो मुद्रा की वजह से ही कर रहा है। दूसरा, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है, तो यहाँ जीवन शक्ति भरा जाएगा। तीसरा है मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। चौथा प्रश्न है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। पांचवा है मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यानी मनुष्य ने जो मुद्रा का आविष्कार किया है वो सबसे बड़ा उपलब्धि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, यानी लेन देन का एक क्या है, जरिया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल है। प्लास्टिक मुद्रा जिसको हम लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड कहते हैं, इसके चलते जो है अब विनिमय लेन देन का काम जो है आसान हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है। सेवक मतलब मदद करने वाला, जहाँ भी हम जाते हैं पैसे से हम आसानी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, यानी हमने 10 रुपया कमाया और इसमें से हमने 9 रुपया खर्च कर दिए, तो 1 रुपया जो बचा वही हमारा बचत हुआ। नेक्स्ट है साख का मुख्य आधार विश्वास है, विश्वास यानी भरोसा है। अगर आप पे भरोसा है तो मैं आपको 10 रुपये उधार दे रहा हूँ इस भरोसे पे कि आप उसे लौटा देंगे। तो साख जो है, ऋण जो है, उसका मुख्य आधार जो होता है विश्वास, यानी मैंने आप पे विश्वास किया तब जा करके आपको कर्ज दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर की ओर। दोस्तों, मैं एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझा दूंगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक वीडियो देखें। और जब वीडियो आप देख लें तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। चलते हैं, अब हम लोग लघु उत्तरीय के प्रश्न का पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। मैंने जैसा ही पहले बताया कि विनिमय यानी लेन देन, यानी वस्तु लेने देने की क्या प्रणाली है। लिखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, यानी एक वस्तु लिए और दूसरी वस्तु उसको दिए। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, यानी मैंने किसी को गेहूं दिया और उससे बदले हमने उससे चावल ले लिया। सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना आदि, यानी एक वस्तु को लेना और दूसरे वस्तु को देना, ये जो प्रणाली है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगले प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मौद्रिक प्रणाली क्या है, यानी मौद्रिक प्रणाली का आविष्कार वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ। यानी वस्तु विनिमय में आपने देखा होगा बहुत सारी कठिनाइयां होती थी, उसको हम लोग आगे आने वाले प्रश्न में इस चीज़ को विस्तार से जानेंगे कि क्या क्या कठिनाइयां आती थी। तो वस्तु विनिमय जो था उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, और ऐसे में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मौद्रिक प्रणाली का विकास किया गया। तो मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है, और इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। क्योंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय का एक माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आप किसी चीज़ को लेते थे तो उसके बदले आपको कोई दूसरी चीज़ देनी होती थी, लेकिन मुद्रा का जब आविष्कार हुआ इसकी वजह से अब हमें किसी दूसरी वस्तु देने की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि अगर हमारे पास मुद्रा है तो हम अपने ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकते हैं, और जिससे हमने ख़रीदा उसके पास अब मुद्रा आ गई, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता है। तो इससे एक तरह से कहा जाए कि वस्तु विनिमय में जो परेशानी होती थी कि आवश्यकता वाले व्यक्ति को तलाश करना पड़ता था, अब मुद्रा के आने से ये करना
आसान हो गया, अब उस किसी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुद्रा लेकर के जाएं और सामानों को खरीद लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा की परिभाषा दें, यानी मुद्रा क्या है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में मुद्रा का अर्थ धातु के बने सिक्कों से समझा जाता है। जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो सिक्के हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। तो साधारण बोलचाल में हम जो है सिक्का को कह सकते हैं कि यह मुद्रा है। मुद्रा शब्द का प्रयोग जो है मुहर या चिन्ह के अर्थ में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो 1 का सिक्का है या 2 के सिक्के हैं या 5 के जो सिक्के होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का जो है चिन्ह लगाया जाता है। तो वो चिन्ह इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मुद्रा जो है वो पता चल सके। यही कारण है कि जिस वस्तु पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाई जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर सरकार के द्वारा जो है कोई चिन्ह या मुहर लगा दी जाती है तो मुद्रा कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा सिक्का, उस पर विशेष चिन्ह लगाए जाते हों। आप अगर चाहें तो उस आकार का कोई अगर अन्य धातु बना करके आप इस्तेमाल करें तो वो मुद्रा के रूप में नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई चिन्ह जो है नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न है ATM क्या है, यानी प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप है ATM। ATM का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्वचालित मशीन है जो 24 घंटे मशीन जो है 24 घंटे रुपये निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान कर सकता है करता है। तो ATM के थ्रू हम अपना जो है डेबिट कार्ड लेकर के जाते हैं और आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड क्या है, तो क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। अब देखिए क्रेडिट कार्ड जो है वो भी एक प्लास्टिक का मुद्रा है, जैसे डेबिट कार्ड है जिसको हम लोग ATM बोल देते हैं। तो डेबिट कार्ड की तरह ही एक क्रेडिट कार्ड भी होता है, वो भी प्लास्टिक का होता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जो है बैंक हमें प्रदान तभी करता है जब उसको लगता है, साख यानी उसको भरोसा होता है कि हम उसके पैसे को लौटा सकते हैं। तो वो हमें क्रेडिट कार्ड जो है देता है, उस पर हमारी साख निर्धारित करता है, यानी हमारी क्षमता निर्धारित करता है कि हम कितना पैसा उसे वापस फिर भविष्य में लौटा सकते हैं। तो वो एक धनराशि निश्चित कर देता है, 20,000, 25,000, 50,000 जो है वो एक निर्धारित कर देता है कि उसके माध्यम से आप किसी भी तरह की वस्तुओं को या सेवाओं को खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है बचत क्या है। तो आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहलाता है। जैसे मैंने बताया कि 10 रुपया हमने कमाया, 9 रुपया खर्चा किया, 1 रुपया हमारा क्या हो गया, बचत हो गया। तो सामान्य अर्थों में बचत का अर्थ धन को संरक्षित करने अथवा बैंक में रखने, पेंशन फंड में निवेश करने इत्यादि में लगाया जाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में बचत शब्द खर्च घटाने, संसाधन बचाने जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी हमारा जो खर्चा हो रहा है उसको कम किया जाए, या जो हमारे संसाधन हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा जो है बर्बाद न किया जाए, या आर्थिक गतिविधियों में जो है हम उसे लगा दें ताकि और हमें आमदनी हो जाए, तो इससे हम बचत कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि साख क्या है। अभी हमने चर्चा करी, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। यानी हम किसी पे भरोसा करते हैं तभी जा करके उसको कर्ज देते हैं। तो जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन पर लोग आंख मूंद करके पैसे दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई रोना रोते हैं उसके बाद भी लोग जो है उसे पैसे देने से हिचकते हैं। इसका कारण यही है कि उन लोगों को उस पर भरोसा या विश्वास नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। यानी साख का मतलब वो है कि वो विश्वास जिसमें आप किसी से कर्ज लिए या उधार लिए तो आप उसे लौटा सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ के बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लिया है। यदि अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।